युगो युगो से चल रहा है मेल, ग्रह नक्षत्रों का सब है खेल। ब्रह्मांड में ग्रह रोज बदलते हैं अपनी चाल, आइए जानते हैं आज कौन सी राशि होगी माला माल। जय शनिदेव। प्रिय भक्तगणों, मैं स्वामी राजर्षि शनि पीठ मंदिर ईस्ट पटेल नगर नई दिल्ली से आज आपके समक्ष आज का राशिफल बताने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। आपको जानकर हार्दिक प्रसन्नता होगी कि मैं 10 वर्ष की आयु से ही अपने पूजनीय पिताश्री गुरु रजनी शिशि जी के निर्देशन में एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और धर्म ग्रंथों का अध्ययन कर रहा हूँ। तो कैसे रहेंगे आज आपके सितारे, कैसा रहेगा आज आपका दिन, क्या करें क्या ना करें, किन चीजों से आज आपको सावधान रहना है, जानने के लिए आखिर तक देखते रहिए आज का राशिफल। आज 24 अप्रैल 2020 दिन शुक्रवार, वैशाख मास का शुक्ल पक्ष चल रहा है और आज प्रतिपदा तिथि सुबह 10:01 तक रहेगी और उसके पश्चात द्वितीय तिथि लग जाएगी। आज अभिजीत मुहूर्त जो कि किसी भी कार्य को करने का एक शुभ मुहूर्त होता है, सुबह 11:53 से लेकर 12:46 तक रहेगा। इस दौरान किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत करने से आपको उसमें सफलता प्राप्त होगी। आज राहु काल सुबह 10:41 से लेकर 12:19 तक रहेगा। इस दौरान किसी भी शुभ कार्य को करने से आप सभी लोग परहेज करें। प्रिय भक्तगणों, मैं जो आपको ये डेली राशिफल बताता हूँ ये आपके चंद्र गोचर पर आधारित संकेत मात्र है। आप इनके हिसाब से अपने दिन की प्लानिंग कर सकते हैं, परंतु उसमें देश काल और परिस्थिति की प्लानिंग को भी साथ में जोड़कर ही आप अपने दिनचर्या की जो दिशा है उसको निर्धारित करें। प्रिय भक्तगणों, यदि आप में से किसी ने भी हमारे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल का आइकन दबा के हमारे चैनल की हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाएं और हमारी इन वीडियोस को लाइक करें और अपने परिवार के सदस्यों के साथ और अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को शेयर करें। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो राशि वाले जातकों का आज का दिन कैसा बीतेगा। स्टूडेंट्स को आज अपनी पढ़ाई में सफलता प्राप्त होगी और वे मन लगाकर अपनी पढ़ाई में रुचि ले पाएंगे। आज उनका जोश और उत्साह सातवें आसमान पर होगा और अपनी मेहनत और एकाग्रता से वे आज हर सवाल को हल कर लेंगे। यदि आज स्टूडेंट्स विदेश में जाकर पढ़ाई करने का मन बना रहे हैं और इस दिशा में आज वे कोई भी कदम उठाते हैं तो ये इनके लिए बहुत शुभ होगा और उनको मनचाही सफलता प्राप्त होगी। जो लोग खेती बाड़ी से संबंधित किसी भी व्यवसाय में जुड़े हुए हैं अपनी समस्या के लिए उपायों को प्राप्त कर सकते हैं। निश्चित तौर पर हमसे कंसल्ट करने के लिए आपको एक छोटी सी फीस देनी होगी जिसका उपयोग हमारे द्वारा समय समय पर यज्ञों महायज्ञों के आयोजन करने में, हर मंगलवार और हर शनिवार को प्रसाद वितरण करने में और लड़कियों को फ्री कंप्यूटर एजुकेशन प्रदान करने में उपयोग में आती है। आज का दिन उनके लिए शुभ नहीं है और आज उनको नुकसान झेलना पड़ सकता है। आज आपका मित्रों के साथ मनमुटाव भी हो सकता है। आज सिंगर्स और म्यूजिशियंस के लिए अच्छा दिन है। आज अपनी परफॉर्मेंस से आप अपने ऑडियंस का दिल जीत लेंगे जिससे आपको भी खुद पर गर्व होगा। आज आप किसी जरूरतमंद व्यक्ति को तांबे के बर्तन दान करें। आज आपको अपनी क्षमता के अनुसार लंगर की व्यवस्था करनी चाहिए पर उसमें रोटी अवश्य बांटें। वृश्चिक राशि वालों, अगर आपके पास अपनी कार नहीं है और आप अपने सपनों की कार जल्द से जल्द खरीदना चाहते हैं तो आपको अपने हाथ में एक मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठित नीलम की अंगूठी अवश्य ही धारण करनी चाहिए। यदि आप स्वयं गुरु रजनी शिशि जी द्वारा अभिमंत्रित अंगूठियों को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप अभी ही स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों पर हमें संपर्क कर सकते हैं। किसी भी रत्नों की अंगूठी को खरीदने से पूर्व आपको अपनी कुंडली का अध्ययन किसी योग के एस्ट्रोलॉजर द्वारा अवश्य ही करवा लेना चाहिए और यदि आप हमसे ज्योतिष परामर्श लेना चाहते हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं वह चमत्कारी उपाय जिसे करके कोई भी राशि का जातक बड़ी आसानी से सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकता है।
आज आपको प्रातः काल उठकर सूर्य देवता की उपासना करनी है। उनकी पूजा करने के लिए आपको इस मंत्र का एक माला जप करना है, ओम राम ह्रीम ह्रौम से सूर्याय नमः। मैं आप सभी के लिए इस मंत्र को दोहराने जा रहा हूं, ओम राम ह्रीम ह्रौम से सूर्याय नमः। जब आप एक माला का जप कर लें तो उसके पश्चात आप सूर्य देवता को मीठा जल अर्पित करें। आप जल में गुड़ या चीनी मिला सकते हैं। यदि आप इस उपाय को श्रद्धा पूर्वक करते हैं तो जल्द ही आपकी सरकारी नौकरी लग जाएगी। आज का आपका राशिफल देखते हुए मैं आपको 4 स्टार देता हूं। परेशान थी 4-5 साल से। मुझे कुछ उपाय बताए थे और साथ में मेरे को इन्होंने रिंग पहनने के लिए बताई थी बच्चे के लिए, तो वो मैंने फिर डलवाई थी। तो अब रिंग पहने कितना समय हो गया उसे? रिंग पहना था न्यू ईयर को 1 जनवरी को, और तब से उसने एक बार भी ड्रिंक नहीं की है और अपना फ्रेंड्स वगैरह का साथ छोड़ दिया। आपको उससे इतनी देर में फायदा हो गया? हाँ जी, आज एक है तो एक महीने में मतलब बिल्कुल मुझे उसने कभी टच ही नहीं किया उसको। आप और लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगी गुरु जी गुरु माँ के बारे में? मैं यही मैसेज देना चाहूंगी, आकर एक बार जरूर मिले और जो वो उपाय बताएं करें, निश्चित ही फायदा होगा उससे। हमारे वेदों पुराणों धर्म ग्रंथों और ज्योतिष शास्त्रों पर आधारित उपायों को और अधिक जानने के लिए हमारे द्वारा बनाई गई और वीडियोस को यहाँ पर क्लिक करके आप देखते रहें।